आप हमारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारी भक्ति की है। आप मुझे मेरे भाइयों जैसे ही प्रिय हैं। मैं आपको देने योग्य कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी मैं आपको एक छोटी सी वस्तु भेंट देना चाहता हूं जिससे मेरे मन को हर्ष होगा। आपकी सात्विक दिव्य आभा के सामने तो ऐसी सहस्त्रों मालाओं का दिव्य प्रकाश भी फीका है। आपकी वाणी से हम भक्तों पर कृपा के लिए कहे हुए एक शब्द का मूल्य भी इस माला से कहीं अधिक है। परंतु फिर भी इस दीनहीन भक्त विभीषण की इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। मित्र, आभूषण स्त्रियों के शरीर पर अधिक अच्छे लगते हैं, इसीलिए यदि सीता को स्वीकार हो तो ये माला आप इन्हें भेंट कर सकते हैं। महारानी, यदि आप इस भेंट को स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे आराध्य भगवान शिव ने तो प्रेम से किए गए विष को भी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया था, फिर तुम्हारा विभिन्न की इस भेंट को स्वीकार करने में संकोच क्यों कर रही हो सीते? इसे स्वीकार कर लो, और यदि तुम इसे अपने पास नहीं रखना चाहती तो किसी योग्य पात्र को भेंट कर दो। लंकापति विभीषण, हमें आपकी ये भेंट सहर्ष स्वीकार है। लंकापति विभीषण इस माला को रघुनंदन श्रीराम के लिए लेकर आए थे, इसीलिए मैं इस माला को उस व्यक्ति को देना चाहूंगी जिन्होंने रघुनंदन श्री राम की सबसे अधिक भक्ति और सेवा की हो। हनुमान, आज्ञा मैया। तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम हो, इसे ग्रहण करो। क्या कर रहे हैं? इतनी दिव्य माला जो स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट स्वरूप दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने फेंक क्यों दी? क्योंकि यह माला
पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या पत्थर के टुकड़े? ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? अमूल्य रत्न? मैंने तो इन्हें बड़े ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दी। विभीषण जी, आपके लिए कंकड़ पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई ना दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार है जहां प्रभु श्री राम के दर्शन न हो? यही सत्य है। आपको कोई संदेह है क्या? यदि ऐसी बात है बजरंगबली, आप जिस शरीर को इतने प्रेम और धर्म से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? राम बसते हैं? यदि नहीं, तो आपने ऐसा धारण क्यों किया होगा? ठीक कहा, मेरे तो शरीर के रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं। Thank you.
पाकर मैं धन्य हुआ हूँ। तुम्हारे समान भक्त।